Hey guys, welcome back to your channel Journey to Success. आज हम डिस्कस करेंगे कि ESIC MTS की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं. ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. देखो, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाओगे, एक तो आपको उनके आपको उस डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल में लेके जाना है और साथ में ही दो दो उसकी फोटो कॉपीज ले जाना. ठीक है, एक ओरिजिनल और साथ में दो उसकी फोटो कॉपीज. सेल्फ अटेस्टेड मतलब उस पर नीचे अपने साइन कर देना, उसका ही मतलब होता है सेल्फ अटेस्टेड. तो सबसे पहले आपको लेके जाना है कौन कौन सा डॉक्यूमेंट. एक तो एज के लिए, एज के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसीडर होता है वो आपका 10th का DMC कंसीडर होता है, जो आपका 10th का होता है. उसके इक्विवेलेंट कोई भी हो सकता है, बट मेनली मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जो ESIC MTS की जो है पोस्ट वो 10th के लेवल पे बेस्ड है, मैट्रिक्स के बेस्ड है, मैट्रिकुलेशन पे बेस्ड है. तो एज के लिए आप अपना 10th का DMC ही लेके जाना. और उसके अलावा अगर आपने बैचलर्स या मास्टर्स भी कर रखी है या कुछ एक्स्ट्रा भी कर रखा है तो वो सारे क्वालिफिकेशन वाले डॉक्यूमेंट्स भी आप साथ में लेके जाना. और अगर आपने अगर तो आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो कोई नीड नहीं है, बट अगर आप OBC SC या अगर आपने किसी भी कैटेगरी से अप्लाई किया है तो जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग या इनके एनेक्स्टर्स के अकॉर्डिंग उस फॉर्मेट में उस सर्टिफिकेट को जरूर लेके जाना. ठीक है, उसके बाद अगर आप OBC हो तो भी आपको लेके जाना पड़ेगा, अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हो तो वो भी लेके जाना पड़ेगा, और अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी वर्क कर रहे हो तो वहाँ का आपको NOC लेके जाना पड़ेगा. NOC मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा. ठीक है, और अगर आप एक सर्विस मैन हो तो आपको अपना डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा, एंड साथ में आपको अपना कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आधार कार्ड हो गया मेनली वो लेके जा सकते हो, जिसपे आपकी फोटो भी लगी हो. और आपको दो फोटोग्राफ्स लेके जानी है साथ में, जो कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए लगाई थी, उसकी दो फोटोग्राफ्स लेके जानी है. कौन सा साइज लेके जाना है? पासपोर्ट साइज आपको लेके जाना है. तो मेनली मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता रही हूँ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं. एक तो मैट्रिकुलेशन का, जिसमें आपका एज का प्रूफ है, अगर आपने कोई फर्दर क्वालिफिकेशन की हुई है वो, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसके अकॉर्डिंग, और एक NOC अगर आप कहीं पर जॉब करते हो. उसके अलावा आपका जो आधार कार्ड हो गया या कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ हो गया जो उन्होंने मैंशन किया हुआ है, और दो फोटोग्राफ्स. तो मेनली दो फोटोग्राफ्स, आधार कार्ड, 10th का या जितने भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसका सर्टिफिकेट, यही आपको मेनली लेके जाना है. ठीक है, और सभी की दो दो सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज लेके जानी है और एक ओरिजिनल लेके जाना है. वैसे मैं पर्सनली ये सोच रही थी, जैसे उन्होंने कहा है 2 फोटोग्राफ्स मैच अपलोडेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो अगर किसी के पास अपना एडमिट कार्ड पड़ा है मेंस का तो वो साथ में ले जाना, मतलब एक आपके पास पड़ा ही होगा अगर कहीं के पास अपने फोन वगैरह में, तो वो साथ में ले जाना. ठीक है, ओके बाय. अगर आपकी कोई और क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो.